बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां जनपद में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर वन महोत्सव के कार्यक्रम का आगाज किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री ने इस मौके पर सभी से पौधारोपण करने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक राकेश गोस्वामी और डीएम महोबा मनोज कुमार समेत बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने वन महोत्सव कार्यक्रम को पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण बताया है। इसी के साथ ही डीएम महोबा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से पूर्वजों के नाम पर एक पौधा रोपित किए जाने का आह्वान किया है। मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री समेत सदर विधायक और तमाम आला अधिकारी आपको बता दें कि महोत्सव कार्यक्रम में कार्यकर्ता समेत जनपद के आला अफसर। इस दौरान डीएम महोबा मनोज कुमार ने लोगों से उनके पूर्वजों के नाम पर पौधे लगाकर युवा वर्ग को जागरूक किए जाने की मांग की है। विराट 24 के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद के कारण 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। चित्रकूट मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र की वास्तव में जो आवश्यकताएं हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उनके प्रयास और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से हमेशा बुंदेलखंड और चित्रकूट की चिंता करते रहते हैं, आज भी जब वन महोत्सव का एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के मंडल में आज भी हैं। डीएम साहब ने बताया कि वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी हैं। आज अगर हम लोगों को पर्यावरण की वजह से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ रही है, समय से बरसात नहीं होती है, जितना भी परेशानियां हो रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने वृक्ष को काटा तो है लेकिन वृक्ष को लगाना नहीं सीखा। आज हम लोग सब लोग यहाँ से एक एक प्रण लेके जाए, हम सब बच्चियों से अनुरोध करते हैं कि अपने घर के आंगन में, अपने बगीचे में, जहाँ भी वो संभव हो सके कम से कम 5 वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। वृक्ष लगाना ही सब कुछ नहीं है, वृक्ष लगाने के बाद उनका संरक्षण करना, जैसे कि हम लोग अपने घर में बच्चों को पालते हैं उसी तरह हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। जब तक वृक्षों का संरक्षण नहीं होगा और हमारी पृथ्वी हरी भरी नहीं होगी तभी तक हम लोगों को विभिन्न आपदाओं को झेलना पड़ेगा और हम लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। साथियों, ये कार्यक्रम आप सब लोग जानते हैं कि लकड़ी या वन हमारे लिए कितना उपयोगी था। पहले हम लोग अपने खेत पे कोई भी ऐसा किसान नहीं होता था जो अपने खेत पे मेड़ों पे कम से कम पेड़ न लगाता हो, क्योंकि उसे